हेलो स्टूडेंट्स, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी, ऐसे कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें अंग्रेजी से प्रश्न होते हैं। और देख रहे होंगे कि एडम्स और फ्रेजेज से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह प्रयास किया जा रहा है कि आप तक कुछ ऐसे एक्सरसाइज बनाकर दिए जाएं जिनका आप प्रैक्टिस करें। और एडम्स और फ्रेजेज का जो भूत है, उस भूत को आप दूर करें, उस डर को अपने अंदर से आप निकाल दें। इसका एकमात्र उपाय है प्रैक्टिस। तो देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने दिया था और आज भी मैं दे रहा हूँ 10 ऐसे इम्पोर्टेंट एडम्स एंड फ्रेजेज। तो एडम्स एंड फ्रेजेज यानी मुहावरे आप देखेंगे, पहला है मैन ऑफ स्ट्रा। सामान्य अर्थ लेंगे तो स्ट्रा का अर्थ होता है पुआल, पुआल का आदमी, जी नहीं, मैन ऑफ स्ट्रा का अर्थ होगा अविश्वासी आदमी, कह सकते हैं कायर आदमी, कह सकते हैं डरपोक आदमी, कह सकते हैं ऐसा आदमी जिसका कोई अस्तित्व तो ना हो, वजूद ना हो, तो हम कह सकते हैं अविश्वासी आदमी। अविश्वासी आदमी जिस पर विश्वास ना हो, जिसका कोई वजूद ना हो, अस्तित्व ना हो, उसको बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रा। तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर पर जेनरस मैन, एक उदार आदमी, होगा नहीं उदार आदमी। ए मैन ऑफ कैरेक्टर, चरित्रवान आदमी, होगा नहीं। ए मैन ऑफ नो सबस्टेंस, आदमी जिसके पास कोई वजूद ना हो, कोई अस्तित्व ना हो, तो यही होगा ए मैन ऑफ सबस्टेंस, यानी ये सी होगा। मैन ऑफ नो सबस्टेंस यानी सबस्टेंस वो तत्व, वजूद, अस्तित्व, वो आदमी जो बिना अस्तित्व वाला हो, जिसका कोई वजूद ना हो, विश्वास कोई ना करे, अविश्वासी आदमी। अब हम सेकंड देखते हैं, दूसरा है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, सारा सामान, पूरे सामान के साथ सारा सामान। तो बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है सारा सामान, यानी सारी वस्तुएं, सारा सामान। अब देखते हैं ए नंबर विदाउट समथिंग यानी कुछ के बिना, होगा नहीं। विद समथिंग, कुछ के साथ, विद ऑल गुड्स, सभी सामानों के साथ, गुड्स यानी सामान वस्तु, और एम्प्टी हैंडेड यानी खाली हाथ, नहीं, यहाँ क्या होगा विद ऑल गुड्स यानी सभी सामानों के साथ। तो बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है सारा सामान, सभी सामान के साथ, बैग एंड बैग। अब थर्ड नंबर देख रहे हैं, ये थर्ड है कैट्स एंड डॉग्स। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कैट्स एंड डॉग्स, क्या बिल्लियां और कुत्ते? जी नहीं, ये तो मशहूर कहावत है और आप सभी प्रयोग भी करते हैं कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो मूसलाधार बारिश होने के लिए कैट्स एंड डॉग्स का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं क्या रेड लाइटली होगा, हल्की बारिश, नहीं, रेड हैवीली, भारी बारिश, तो जी हाँ भारी बारिश, भारी बारिश होना मूसलाधार बारिश होने के लिए कैसे बॉक्स होता है, एनिमल्स नहीं होता है, पालतू जानवर और डाइजल हतप्रभ चौंधा गए, चकचक चकित हो गए, ऐसा नहीं होता है, या ड्रीजल भी नहीं होगा, ड्रीजल रिमझिम बारिश होना, जीसी होना भी नहीं होगा, मतलब हैवीली जब वर्षा होती है, भारी रूप से जब वर्षा होती है, उसका आधार तो यह रेड हैवी होगा, कैट्स एंड डॉग्स वाली ऑप्शन होगा। तो हम देखते हैं कि जो भी ऑप्शन में नियर, करीब, नज़दीक मीनिंग जो रखते हैं उसी ऑप्शन को लिया जाता है। अब एवो बोर्ड, बोर्ड नंबर है एवो बोर्ड। एवो बोर्ड का अर्थ होता है स्पष्ट, कुलम कुला, तो एवो बोर्ड हो एकदम निष्कपट, कपट उसके अंदर ना हो, निश्चल हो, एवो बोर्ड का अर्थ यानी एकदम स्पष्ट, कुलम कुला, निष्कपट, निश्चल, जिसके अंदर कोई छल ना हो,
हम देखते हैं डिसऑनेस्टी आगे तो बेईमान होता है और पैराडाइज कायरता होती है, ये तो होगा नहीं। क्रुएल यानी निर्दयी, ये भी नहीं। ऑनेस्ट ईमानदार, ये तो होगा, ये ले सकते हैं। ईमानदार है यानी निष्कपट है, इसके अंदर कोई कपट नहीं है, मतलब वो ईमानदार है, निश्चल है। अब हम लेते हैं फाइव नंबर है, ए फिश आउट ऑफ वाटर। जी हाँ, ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर का अर्थ होता है कोई अगर स्पेसिफिक सिचुएशन है, कोई खास परिस्थिति है, उसमें आप जो है कि अनकंफर्टेबल अगर महसूस करते हैं, बेचैन महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है क्या, फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे हम कह सकते हैं कि आई फील लाइक अ फिश ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान मैं फिश आउट ऑफ वाटर की तरह महसूस करता हूँ, मतलब बेचैन महसूस करता हूँ, अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तो देखिए क्या प्राउड होगा, गर्व महसूस करता हूँ, नहीं स्पेशल खास, कंफर्टेबल आरामदायक, नहीं अनकंफर्टेबल, बेचैन, अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ, जो आरामदायक नहीं तो वैसा महसूस करता है। फिश आउट ऑफ वाटर का अर्थ होता है अनकंफर्टेबल इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, कोई खास परिस्थिति में, स्पेसिफिक सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फीलिंग करना ही अ फिश आउट ऑफ वाटर का अर्थ होता है। जैसे हम कह सकते हैं पानी से बाहर अगर मछली होगी तो कैसा महसूस करेगी, क्या उसको कंफर्टेबल महसूस होगा, क्या गर्व महसूस होगा, नहीं, उसी आधार पर यानी बेचैन महसूस करेगी, तो अनकंफर्टेबल इस बात में। अब हम लेते हैं एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है कलह की वस्तु, झगड़े की वस्तु, झगड़े की वजह, कलह का वजह, झगड़े का वजह, झगड़े की वस्तु। तो कॉज ऑफ हेटर घृणा का कारण, कॉज ऑफ क्वारल यानी झगड़े का कारण या झगड़े की वजह, कॉज ऑफ एंगर क्रोध की वजह या क्रोध का कारण, कॉज ऑफ प्रॉब्लम समस्या का कारण, नहीं, कॉज ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ क्वारल यानी झगड़े की वजह, झगड़े की वस्तु, ये एपल ऑफ डिस्कॉर्ड का है। एट होम इन ये सेवन है, एट होम इन का अर्थ होता है पीपु यानी कुशल, एकदम दक्ष ऊपर ही है, एक्सपर्ट, एकदम एक्सपर्ट, एक्सपर्ट हो किसी चीज में, दक्ष हो, कुशल हो, एट होम इन, ऐसे ही इज एट होम इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में कुशल है, दक्ष है, तो एट होम इन का प्रयोग किया जाता है एक्सपर्ट के लिए, रीच और स्टूपिड और लेजी के लिए नहीं, के लिए जो है एट होम इनका प्रयोग किया जाता है। एट है अ ड्रॉप इन द ओशियन, यानी समुद्र में एक बूंद, मतलब कहने का मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बहुत कम मात्रा में। तो ड्रिंक वाटर क्या पानी पियो, तो पोर वाटर पानी डालो, एलार सी बड़ा समुद्र नहीं, वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम राशि, बहुत कम राशि, वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा, बहुत कम मात्रा, ऊँट के मुँह में जीरा, सुना है ना, ऊँट के मुँह में जीरा, बहुत कम मात्रा, वेरी स्मॉल अमाउंट। अब हम लेते हैं नाइन नंबर है ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल यानी सर्वे सर्वा, सर्वे सर्व, ऑल इन ऑल, तो नथिंग यानी कुछ नहीं, स्किल्ड, एक्सपर्ट, नो, तो क्या ऑन द होल, मतलब सर्वे सर्वा, पूर्णता, समूचा, सर्वे सर्वा होता है ऑल इन ऑल का। अब ये टेन नंबर है अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे का अर्थ होता है महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिन, तो क्या होगा, हॉलीडे होगा, छुट्टी नहीं, रेनी डे, वर्षा वाला दिन,
फर्स्ट डे यानी पवित्र दिन यह इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण दिन, तो ये होगा महत्वपूर्ण। वैसे ही क्रमशः जारी रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।